नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मॉल के बार में 9 एशियन नागरिकों ने किया हंगामा, महिला वेटरों से भी की वत्सलूकी। शहर में संचालित एक मॉल के बियर बार में नशे की अवस्था में 9 एशियन नागरिकों ने पहले महिला वेटरों के साथ वत्सलूकी की। इस पर आपत्ति जताए जाने पर बार के अंदर ही एशियन हंगामा करने लगे। स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस कर्मियों के पहुंचने पर उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। ACCL के कोयला खदान में रसिया से आए 150 टन क्षमता के डंपर के इंस्टॉल का काम इन दिनों चल रहा है। इसके लिए बेलारूम से करीब 15 तकनीकी जानकार लोग पहुंचे हैं। इनमें आधे लोग दीपका कॉलोनी में व आधे कोरबा के एक रिहायशी इलाके में रहते हैं। बताया जा रहा है कि 9 रशियन बीती रात बार पहुंचे थे। यहां सभी ने शराब का सेवन किया और नशे की अवस्था में हंगामा करने लगे। बियर बार के कर्मचारी उन्हें समझाते रहे पर वे नहीं माने। बात उस वक्त ज्यादा बिगड़ गई जब बियर बार में कार्यरत महिला वेटरों के साथ रशियन बदसुलूकी करने लगे। बाउंसर भी स्थिति को काबू में नहीं कर सके। तब बार के मैनेजर ने CSEB पुलिस चौकी को इसकी सूचना दी। उस वक्त रात को 12 बज रहे थे। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने नशे में धुत रशियनों को समझाने की कोशिश की पर एक दूसरे की भाषा दोनों नहीं समझ पा रहे थे। पुलिस कर्मियों ने थोड़ी सख्ती बरतने की कोशिश की तो रशियन नागरिक पुलिस कर्मियों के साथ झूमा झटकी पर उतारू हो गए। मौके पर पहुंची अतिरिक्त पुलिस बल ने किसी तरह गाड़ी में बैठाकर रशियनों को पुलिस चौकी ले गई। उनका पुलिस ने मेडिकल कराया तो सभी के शराब पीने की पुष्टि हुई। इस प्रक्रिया के बाद सभी रशियनों को छोड़ दिया गया। 25 दिसंबर क्रिसमस की रात की बात है। फॉर्म मॉल में कुछ विदेशी लोग आए हुए थे और लोकल स्थानीय ग्रामीणों से वहाँ घर लोकल व्यक्तियों से इनकी कुछ बहस हुई। भाषा के चक्कर में समझ नहीं पा रहे थे बात हमारी। फिर बाद में वहाँ पे शिकायत पे हम लोग जाके लेके आए थे चौकी उनको, जो 9 विदेशी रशियन थे उनको शराब के नशे में तो थे। उसके बाद लाकर उनको समझाइश देकर उनके जो जिनके माध्यम से आए हैं उनके सुपुर्दनामे पे घर भेजा गया है। वाले हैं बेलारूस से आए हुए हैं, बलाज कंपनी के जो डंफर होते हैं उनके इंजीनियर और ऑपरेटर हैं। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया गया है। इस फैसले पर कोरबा की कुछ जनता स्वागत कर रही है तो कुछ लोग 18 वर्ष को ही शादी के लिए सही बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि 18 वर्ष से 21 वर्ष लड़कियों की शादी की उम्र होने से पढ़ाई लिखाई पूरी होगी, लड़कियां पढ़ लिख कर अपने पैरों में खड़े हो सकती हैं। साथ ही 21 वर्ष में लड़कियों की शादी होने से बेहतर होगा। इस सरकार का बहुत ही अच्छा पहल है, इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो शिक्षा की कमी भी हो जाते हैं कई बार पढ़ाई मतलब जो कमज़ोर वर्ग के रहते हैं तो फेल वेल होते हैं 10वीं 12वीं में, उन लोगों को और मौका मिलेंगे और अपना जो शादी का जो 18 साल में होते हैं जो 21 साल कर दिए उसको पढ़ने का और मौका मिलते हैं। और उसमें कई शादी होने पर जो 18 साल की उम्र में जो कमजोरी पना जो आते हैं जो उम्र और 3 साल बढ़ जाते हैं उससे भी बेनिफिट मिलेगा। इसको तो विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद जो एक बहुत ही अच्छा पहल लड़कियों के लिए किया गया है। इसमें सभी वर्गों को फायदा होगा, ऐसे नहीं केवल पार्टी को ही फायदा होगा। इसको सभी को विशेष ध्यान देना चाहिए कि किसी मतलब ये राजनीति से ना तोला जाए इस विषय को। देखिए, हमारा भारत सरकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना अच्छा कानून लाया है उसमें देखिए कई लोग बोल रहे हैं 18 से 21 करने में क्या फ़ायदा होगा, तो 18 से 21 करने में कई फायदे हैं। पहली बात तो है कि बच्चे पढ़ लिख करके स्वावलंबी बन जाते हैं, अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं, उनको भी कुछ खेलने खाने का मौका मिल जाता है, पारिवारिक बोझ नहीं पड़ता उनको। पहले क्या होता था, 18 वर्ष के बच्चे में शादी हो जाती थी तो बच्चियाँ प्राय 16 साल 17 साल के हो गए, उनको मानसिक रूप से टेंशन होता था कि 18 साल हो जाएगी मेरी शादी हो जाएगी, घर में जाना ससुराल जाना पड़ेगा, काम काज का बोझ पड़ेगा, मेरी पढ़ाई लिखाई प्रभावित होगी। तो उस उद्देश्य से लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गहन चिंतन किया और ये 18 से 21 किया, उससे बच्चे परिपक्व हो जाते हैं, पढ़ने लिखने के उनको मौका मिलता है। और इस कानून के बनाने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार को और ख़ासकर देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
अभी जो 18 वर्ष से पूर्व में था 18 वर्ष, उसको 21 वर्ष किए हैं, ये हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। क्योंकि अभी परिपक्वता लड़कियों का कहना चाहिए 18 साल जो था वो बहुत बढ़िया था, और चाहे लोग 20 साल में शादी करें, चाहे 21 साल में करें, चाहे 30 साल में करें, लेकिन परिपक्वता डेट जो 18 साल पूर्व में रखा गया था वही सही था। और अभी जो 21 साल बढ़ाकर किया गया है, और कहना चाहिए हमारे देशवासियों के लिए, हमारे जनताओं के लिए थोड़ा सा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है इसमें। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के सीतामढ़ी से एक विवाहिता 15 दिनों से लापता है। लड़की के माता पिता अपनी बेटी के लापता होने से परेशान हैं। बेटी की खोजबीन के लिए सिटी कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराया है। लैलुंगा निवासी वंदना गुप्ता की शादी सीतामढ़ी निवासी शिवचरण गुप्ता से 13 साल पहले हुई थी। उनके 3 बच्चे हैं। वंदना का पति शिवचरण गुप्ता किराने के दुकान में काम करता है। अक्सर शराब के नशे में पत्नी से मारपीट करता था। वंदना के माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी ससुराल से लापता है, कोई पता नहीं चल रहा है। उनका दामाद बेटी से हर दिन मारपीट करता रहता था। 3 बच्चों को छोड़कर वंदना लापता है। बेटी की सही सलामत वापसी चाहते हैं। अब बेटी और बच्चों को वंदना की माँ अपने साथ रखना चाहती हैं। इधर पुलिस लापता वंदना की तलाश कर रही है। हमारी बेटी जो है 15 दिन से गुम है। कहाँ से? कोरबा सीतामणि शनि मंदिर के पास से। यहाँ शादी की है बेटी को? कितने साल हो गए? 13 साल हो गए। कितने बच्चे उसके? 3 बच्चे हैं। तो पति हमेशा मारपीट करता था। तो कई बार भाग भाग के हमारे घर गई, समझाइश करने के बाद उन्हें पति पत्नी को जो है ना फिर भेज देते यहाँ पर, और फिर उसके बाद जो है ना घटना घटा है 23 तारीख के बाद। समाचार पूछे कैसे है बेटी, है क्या ऐसी पूछताछ की है? ठीक है, हाँ ठीक है, वही दामाद के बारे में बताता खाली। फिर मारपीट करता है, पापा कैसे करें क्या करें ये बोलते थे। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा पुलिस ने 12 घंटे के भीतर अपहरित नर्स को अपहरणकर्ताओं से बरामद कर लिया है। देर शाम जैसे ही नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करने जा रही नर्स के अपहरण की खबर आई, पूरे इलाका में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर पुलिस ने फौरन हरकत में आकर नाकेबंदी शुरू कर दी। बिलासपुर रेंज IG रतनलाल डांगी भी रात में ही कोरबा पहुंच गए। बताया जा रहा है कि पुलिस की नाकेबंदी के कारण अपहरणकर्ताओं ने रात 3 बजे नर्स को छोड़ दिया था। उसके बाद वो घर आ गई, फिर बच्चों के साथ सुबह कोरबा आ गए। सुबह कुसमुंडा TI की टीम नर्स के घर गई। घर में ताला लगा था। उसकी बेटी को फोन किया गया तो उसने माँ को फोन पकड़ा दिया। इस पर पुलिस हैरान रह गई। इस बीच नर्स ओम साहू का मोबाइल बंद हो गया। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने SP ऑफिस के कैंपस के पास से महिला को बरामद कर लिया। नर्स ने पुलिस को बताया कि अपहरणकर्ताओं ने 2 करोड़ की मांग की थी, पर पुलिस का शिकंजा कसता देख वे मेरी आंख पर काली पट्टी बांध मेरे घर के पास छोड़कर भाग गए। मैं चूंकि डर गई थी इसलिए बेटियों को लेकर SP ऑफिस के कैंपस के पास आ गई। मामला संदेहास्पद है इसलिए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। अपहरणकर्ताओं की तलाश की जा रही है। कोरबा जिले के कुसमुंडा थाना क्षेत्र में हरदी बाजार चौकी के अंतर्गत भिलाई बाजार से कल एक शाम की घटना है, जिसमें एक नर्स अपनी ड्यूटी में आ रही थी। उस समय कुछ अज्ञात स्कॉर्पियो में कुछ लड़के उसको किडनैप करके ले गए थे, जिस पर से इसमें FIR किया गया है और प्राथमिक रूप से भी जांच की जा रही है। अलग अलग टीमें इस पर काम कर रही है और कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इसको वो ट्रेस कर लें। नहीं, अभी तक नहीं है। बाकी जो उनके परिजनों से जहां वो काम करती है वहां भी सभी जगह पूछताछ जारी है। अलग अलग टीमें लगी हुई है, कुछ टेक्निकल टीम भी इसमें हम काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी इसको ट्रेस कर लें। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज इंडिया एंड एब्रोड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star होटल फैसिलिटीज, गुड मेंबरशिप पैकेज, हनीमून पैकेज, हॉलीडे पैकेज इंडिया एंड इंटरनेशनल, वीजा सर्विसेज, पासपोर्ट सर्विसेज। कॉन्टेक्ट अस
अनूप शुक्ला 9554967885। विजिट अवर ऑफिस शॉप नंबर FF3 FF4 फर्स्ट फ्लोर सिटी सेंटर मॉल पावर हाउस रोड कोरबा छत्तीसगढ़। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। अब ऐसे स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में साथ ही BSNL भारत फाइबर इलेक्सर गीगा फाइबर हाई स्पीड इंटरनेट नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में दर्री जमनीपाली जेलगांव सीएसी बेस्ड पावर सिटी पुष्पल्लव साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786922258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425447388881884018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। ₹1250 का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र ₹500 में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। दीपका के सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रगति नगर में हुआ पूर्व छात्रों का सम्मेलन शिक्षकों का किया गया सम्मान। इस विद्यालय से पढ़कर अभी तक जो निकल चुके हैं उनके लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत CEO नूतन सिंह कंवर शामिल हुए। उन्होंने स्कूल की शिक्षा नीति की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ जो बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं यह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं सरस्वती शिशु मंदिर गेवरा का छात्र रहा हूँ लेकिन समय के साथ साथ इस शिक्षा नीति में भी बदलाव करना अति आवश्यक है। इस पर संस्था के लोग विशेष ध्यान दें। पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने बताया कि इस सम्मेलन को कराने का मुख्य उद्देश्य स्कूल की गतिविधियों से सभी रूबरू हो सके साथ ही जो यहां से पढ़कर निकले हैं और अच्छे पद पर आसीन हैं उनके द्वारा 11वीं एवं 12वीं की बच्चों को उत्साहित करना है ताकि वह किस तरह की पढ़ाई करें तो आगे चलकर वह भी किसी अच्छे पद पर आसीन हो सकते हैं। जो पूर्व छात्र परिषद द्वारा सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रगति नगर में एक छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था इसका उद्देश्य यही था कि जितने भी जो इस विद्यालय से पढ़कर निकलने वाले जितने भी पूर्व छात्र छात्राएं आज उन आपस में यहां पर मुलाकात करें विद्यालय की गतिविधियों से अवगत हों और जो विद्यालय की जितनी भी समस्याएं उसको हम सब मिलजुल कर दूर करने का प्रयास करेंगे। और हमारे जो इस पूर्व छात्र सम्मेलन कराने का एक और उद्देश्य था कि जो भी इस विद्यालय से पढ़कर जो आज अच्छे पद पर निकले हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है चाहे कोई बॉलर इंस्पेक्टर है कोई DSP है कोई डिप्टी कलेक्टर है उनको यहां पर बुलाना था ताकि जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं उनको देखकर प्रोत्साहित होंगे और अपना भविष्य उनको देखकर अपना सुनिश्चित कर पाएंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। मकान व फसलों को नुकसान पहुंचाकर 43 हाथियों का दल बेलबंधा पहाड़ पहुंचा।
कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज में उत्पात मचा रहे 43 हाथियों का दल बीती रात पसान रेंज की सीमा को पार कर केंदई परिक्षेत्र में पहुंच गया। हाथियों का दल अभी केंदई परिक्षेत्र के बेलबंधा पहाड़ में विश्राम कर रहा है। हाथियों का दल यहां पहुंचने से पहले बनिया व लमना चोटिया में 2 ग्रामीणों के घर को तोड़ दिया था तथा 4 किसानों के खेतों में लगे अरहर की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। हाथियों का उत्पात क्षेत्र में काफी देर तक चलता रहा। उत्पाती हाथियों के लमना पहुंचने तथा घर व फसल को नुकसान पहुंचाए जाने की सूचना पर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और हाथियों को खदेड़ने की कार्रवाई की। वन अमले द्वारा खदेड़ जाने पर हाथियों ने जंगल का रुख लिया। सुबह वन विभाग के कर्मचारी फिर गांव पहुंचे और रात में हाथियों द्वारा किए गए नुकसानी का सर्वे करने के साथ ही रिपोर्ट तैयार की। जानकारी के अनुसार हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों को काफी नुकसान हुआ है। कोरबी सर्किल के डिप्टी रेंजर साहू ने बताया कि हाथियों के क्षेत्र में आते ही वन विभाग का अमला सतर्क हो गया है। हाथी प्रभावित गांवों में मुनादी कराने के साथ ही ग्रामीणों को सावधान किया जा रहा है। ग्रामीणों से कहा जा रहा है कि वे हाथियों के उपस्थिति वाले जंगल की ओर न जाएं तथा वहां से दूरी बनाए रखें। घर से निकलते समय सावधानी भी बरतें। वन विभाग का अमला हाथियों की निगरानी में जुट गया है। वन कर्मी हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। कोरबा जिले में धान बेचने के लिए 15 दिन बाद भी नहीं हुआ भुगतान। बैंक के चक्कर काट रहे किसान, खाता हो गया फ्रीज। खातों में निर्धारित समयावधि के भीतर लेन देन नहीं कर पाने का खामियाजा किसानों को अब भुगतना पड़ रहा है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के एक पखवाड़े बाद भी चिकनी पाली समिति के लबेद उपार्जन केंद्र के 15 किसानों का भुगतान अटक गया है। पब्लिक फाइनेंस मेंटेनेंस सिस्टम के जरिए होने वाली ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया में इन किसानों का खाता निर्धारित मियाद 6 माह से निष्क्रिय होने पर फ्रीज कर दिया गया है। एक ऐसा ही मामला जिले के सहकारी बैंक के ब्रांच बरपाली से सामने आया है। 15 किसानों को धान बेचने के पखवाड़े भर बाद भी आज प्रयत्न राशि नहीं मिली। मामला चिकनी पाली समिति के धान उपार्जन केंद्र लबेद का है। उपार्जन केंद्र लबेद में 10 दिसंबर 2021 को 15 किसानों ने अपना धान बेचा, लेकिन इसकी राशि उन्हें आज तक नहीं मिली। कुल 656 क्विंटल धान की बिक्री में ऋण विरुद्ध वसूली उपरांत शुद्ध भुगतान की राशि 11,81,724.58 रूपए का भुगतान होना है। रिकॉर्ड में भुगतान अशेष है, किंतु किसान भुगतान के लिए भटक रहे हैं। अब नियमानुसार इन किसानों के खाते में तभी भुगतान योग्य राशि आएगी जब सभी खातेदार किसान अपने खाते में कम से कम 100 रूपए जमा करेंगे। शाखा प्रबंधक द्वारा किसानों को इसकी जानकारी दे दी गई है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में पत्नी द्वारा घर में रखे पूरी महुआ शराब को पी लेने और खुद के लिए नहीं बचने पर काम से लौटे पति ने गुस्से में आकर हाथ मुक्के व बेल्ट से उसकी बेदम पिटाई की। घटना में महिला के अधमरे हालत में होने पर उसे घर से निकाल दिया। रात में खुले आसमान के नीचे बेहोश पड़े रहने के कारण ठंड से महिला की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। करतला थाना अंतर्गत चिंदकोना निवासी जीरोन किस्पोट्टा व उसकी पत्नी प्रेमा घर में महुआ शराब बनाते थे, जिसमें कुछ दंपत्ति पीने और कुछ को बेचते थे। क्रिसमस के लिए दंपत्ति ने घर में शराब बनाकर रखा था। सुबह काम पर जाते समय जीरोन ने प्रेमा को रात में उसके लिए शराब बचाकर रखने को कहा था। दूसरी ओर प्रेमा ने बिक्री के बाद उसके लिए शराब रखने के बजाय खुद ही पीकर खत्म कर दिया। रात को काम से लौटने पर जीरोन को घर पर शराब नहीं मिली। गुस्से में जीरोन ने हाथ मुक्के और बेल्ट से उसकी बेदम पिटाई की। जीरोन ने उसे खींचकर घर से बाहर निकालकर छोड़ दिया, खुद अंदर जाकर सो गया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया। कोरबा जिले के करतला थाना क्षेत्र में चिंदकोना गांव है, वहाँ पे एक पति द्वारा अपनी पत्नी को घरेलू विवाद पर से संघातिक चोट किया गया था, जिस पर उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें मृतका का नाम प्रेमा किस्पोट्टा है और उनका पति जो आरोपी है उसका नाम जयराम किस्पोट्टा है।
और इस पे करतला थाने में आईपीसी के धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पे जेल भेजा गया। तो प्राथमिक जो जांच है उसमें यह बात आई है कि वो इन लोग शराब के नशे में था पति जो है, और किसी बात को घर में विवाद हुआ और अपने बेल्ट से संघातिक चोट पहुंचाया था जिसपे उसके सिर और बाकी अन्य जो जगह थे वहाँ पे अत्यधिक ब्लड निकलने की वजह से महिला की मृत्यु। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़े की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेडमूड क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज इंडिया एंड एब्रोड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star होटल फैसिलिटीज, गुड मेंबरशिप पैकेज, हनीमून पैकेज, हॉलीडे पैकेज इंडिया एंड इंटरनेशनल, वीजा सर्विसेज, पासपोर्ट सर्विसेज। कॉन्टैक्ट अस अनुप शुक्ला 9554967885। विजिट अवर ऑफिस, शॉप नंबर FF3 FF4, फर्स्ट फ्लोर सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। MXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। अब ऐसे स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट, नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में। दर्री जमनीपाली जेलगांव, सीएसी बेस्ड पावर सिटी पुष्पल्लव साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 7869222258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425447388881884018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। ₹1250 का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र ₹500 में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में तेज रफ्तार का कहर नहीं थम रहा है। बाइक को मारुति ने मारी ठोकर, सरपंच परिवार के 2 युवक गंभीर रूप से घायल। घटना उर्गा हाटी मुख्य मार्ग की है। करतला बस स्टैंड में तेज रफ्तार से विपरीत दिशा की ओर से आ रही मारुति वैन ने मोटरसाइकिल पर बैठे 2 युवक को ठोकर मार दी। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना स्थल पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। घायलों को स्थानीय ग्रामीणों ने करतला सामुदायिक चिकित्सालय में भर्ती कराया। जांच के बाद कोरबा रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक करतला बस स्टैंड में करतला निवासी चंदा दत्त और हिमांचल दोनों सड़क किनारे मोटरसाइकिल पर खड़े हुए थे कि उर्गा की ओर से मारुति वैन विपरीत दिशा से तेज रफ्तार से खड़े मोटरसाइकिल सवार दोनों युवकों को ठोकर मारते हुए 10 मीटर तक घसीटा। दोनों घायल युवक सरपंच परिवार के हैं। वे क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने कहीं जा रहे थे। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट।
मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।